हेलो फ्रेंड, वेलकम माई यूट्यूब चैनल शिल्पा होम किचन में आप लोग स्वागत है। ये देखिए आज बनाए आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, बिल्कुल कम तेल मसाला में बनाए और बहुत ही टेस्टी बनाए। तो इस तरह सब्ज़ी बना के आप लोग भी खाइए गर्म गर्म चावल या पराठा के साथ। तो देखिए किस तरह बनाए हैं। अब मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए आगे की वीडियो देखिए कैसे बनाए हैं सोयाबीन एकदम सिंपल तरीके से। ये देखिए छोटा बड़ा दोनों सोयाबीन लिए हैं, दोनों मिक्स करके लिए हैं। इस तरह बने तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले गर्म पानी करेंगे। गर्म पानी 5 से 6 मिनट के लिए इसको हल्का उबाल लगाएंगे ताकि सोयाबीन का जो महक रहता है मतलब खुशबू रहता है वो हट जाए, नहीं तो बच्चे लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह गर्म पानी में उबाल कर हल्का गर्म ठंडा पानी से भी धो देंगे छन्नी से छान कर। उसके बाद पानी सारा निचोड़ कर फिर इसको बनाएंगे फ्राई करके, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे लोग भी खा लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए इसको उबलने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिए। तब तक लिए इसको मसाला तैयार कर लेते हैं इसका। तो उसके बाद छन्नी से छानेंगे इसको। मसाला लिए हैं तो उसे जीरा है, काली मिर्च है, धनिया है और लाल मिर्च है, यह घर का सुखाया वाला लाल मिर्च है जो हरा वाला आता है उसको। देखिए इसे थोड़ा तीता कम होता है। बड़ी इलायची छोटी इलायची लिए, ये लहसुन है, ये अदरक है। सब मसाला को हम एक साथ पीस लेंगे और इसके साथ थोड़ा सा लेंगे प्याज, आधा प्याज लिए। तो इसको भी मसाला के साथ साथ में सारा मसाला एक साथ पीस लेंगे। इस तरह खड़ा मसाला पीस के बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आप सूखा पाउडर पे भी बना सकते हैं लेकिन मुझे खड़ा मसाला वाला सब्ज़ी अच्छा लगता है तो मैं इस तरह बनाती हूँ। सारा मसाला पीस के इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तब तक सोयाबीन उबल जाएगा। तो चलिए इसका आते हैं पेस्ट बनाकर। सोयाबीन भी अच्छे से उबल गया है, गैस को कर दिया बंद और इस तरह छन्नी से निकाल लेंगे इसको। उसके बाद इसे ठंडा पानी से थोड़ा धोएंगे। निकाल लिया, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे और अच्छे से सोयाबीन को धो देंगे। इसमें जब फेन निकलता है ना देखिए आपको ख़त्म हो जाएगा, इसे अच्छे से धोनी चाहिए। इसके अब छान देंगे। इस तरह छान कर अब इसको ठंडा हो जाएगा तो इसका जो है पानी सारा इस तरह निचोड़ लेंगे। अभी थोड़ा गर्म है तो इसको सारा पानी निचोड़ के ठंडा होने देते तो बैठाते हैं कढ़ाई गर्म होने के लिए ताकि इसको फिर फ्राई भी करना है। हल्का डीप फ्राई करनी चाहिए सोयाबीन को। सारा पानी निचोड़ लिए, ठंडा भी हो गया है। अब इसमें देखिए बैठाएँ कढ़ाई, कढ़ाई में डालें तेल, तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो साथ में डालेंगे सोयाबीन। सोयाबीन को हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, इसको निकालेंगे प्लेट में। अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम लाल लग करके फ्राई किए ताकि इसका जो महक जो है हट जाएगा। इस तरह बनाइए तो बच्चे लोग बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं इसका सब्जी। सबसे पहले लिए तेल, तो चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। तेल का हल्का गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें डालेंगे जीरा और तेजपत्ता। तेल गर्म हो गया, डाल दिए जीरा, साथ में डालेंगे तेजपत्ता और प्याज। प्याज जो है हल्का लाल करना है। नॉर्मल ये सब्ज़ी बना रहे हैं जिस तरह आप लोग बना सकते हैं सब्ज़ी एकदम सिंपल तरीके से। प्याज लाल हो गया, इधर मसाला भी जो है रेडी हो गया। देखिए मसाला पेस्ट भी तैयार कर लिए। तो प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, डालेंगे इसमें मसाला, साथ में आलू भी डालेंगे क्योंकि आलू और सोयाबीन बना रहे हैं, फिर आलू भी डालेंगे इसके साथ। पहले मसाला फ्राई कर लेंगे। तब प्याज हल्का फ्राई हो गया, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, इस हिस्सा डालेंगे मसाला। खड़ा मसाला पीस के बनाया है। हल्दी डाल देंगे, साथ में डाल देंगे नमक। नमक अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। छोटा चम्मच से 2 चम्मच नमक डालें तो नमक अपना अपने अंदाज से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला के इसको ढक के छोड़ देंगे।
देखिए तेल छोड़ दिया है, तो इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो अच्छे से फ्राई करे तभी जो है ना तो कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। बिना टमाटर के बना रहे हैं क्योंकि हम सोयाबीन में टमाटर नहीं डालते, बिना टमाटर के बनाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए कि बिना टमाटर के आलू और सोयाबीन बनाइए, चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। देखिए तीन आलू लिए, तीनों आलू जो उबाल लिए तो इस तरह छोटे छोटे पीस से इसे कट कर लेंगे। मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए लाल भी हो गया, इसमें हम डाल देंगे साथ में आलू। आवाज कर देंगे थोड़ा मीडियम है, आलू को भी इसी तरह अच्छे से भून लेंगे मसाला के साथ। इस तरह दो से तीन मिनट के लिए आलू भून लेंगे, आलू जो अच्छे से भून जा जाएगा। अब साथ में डाल देंगे इसको सोयाबीन, सोयाबीन को भी साथ में थोड़ा फ्राई कर लेंगे, मतलब भून देंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिला लेना है दम। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए, अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे गर्म पानी, क्योंकि बनाना ग्रेवी वाला सब्जी। गरम भून करके बना सब्जी जो है 10 मिनट में आपका भन के तैयार हो जाएगा अच्छे से, ज़्यादा समय भी नहीं लगा। फिर आप लोग बनाइए खड़ा मसाला पीस के, और बच्चे लोग खा लेंगे बहुत मन पसंद है, तो बच्चे लोग सोयाबीन पसंद है, तो इस तरह सब्जी बना के लीजिए। उसमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्म मसाला भी पीसे थे साथ में, बड़ी इलायची छोटी इलायची, बस इसी तरह सिंपल सा बने सब्जी। इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए सब्जी बन के हो गया तैयार, देखिए कितना टेस्टी बना है एकदम। गैस को कर दिए बंद, देखिए सब्जी तैयार हो गया। और चलिए गर्म गर्म खाना निकालते हैं बच्चे लोग के लिए। वीडियो पसंद तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए मेरा गर्म गर्म ये देखिए मेरा गर्मा गर्म खाना बन के तैयार हो गया। देखिए दाल नहीं बनाया, सब्जी और चावल बनाए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। साथ में खीरा प्याज लिए, और ये बनाया भिंडी का रायता, भिंडी का रायता बनाया साथ में, बहुत अच्छा लगता है भिंडी का रायता। और आप लोग भी बनाइए इस तरह गर्म गर्म खाना, और चलिए देते हैं बच्चे लोग के। प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। भिंडी का रायता इसका वीडियो अलग से जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड किया बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए उसको अलग से बनाए हैं। तो चलिए आप लोग भी खाइए, और मेरा खाना पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। और बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।